मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करणी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। फिर हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं, तो ये उन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो हैं, दोनों ही जो महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। देखिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फिल्म एक इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो और सदगुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है, मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सदगुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके मामा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पर आप विश्वास कर सकें, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले।